वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ट्वीट करीने त्रणे महानुभावों ने भारत रत्न थी सम्मानित करवाने महत्वनी अपडेट्स आपी छे। तेमणे कह्युं पण हतुं के अमारी सरकारे राष्ट्रना निर्माणनी गति आपवा बदल खास पूर्व वडाप्रधान चौधरी चरण सिंह ने भारत ने आर्थिक रीते आगळ वधारवा बदल पूर्व वडाप्रधान पीवी नरसिम्हा राव ने कृषि क्षेत्र में अद्भुत योगदान आपवा बदल एस स्वामीनाथन ने भारत रत्न थी सम्मानित करवानो महत्वनो निर्णय लीधो छे। अने त्यारे समग्र बाबते टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय नु महत्वनो निवेदन सामे आव्यु छे। त्यारे आ चौधरी चरण सिंह ने तेमज नरसिम्हा राव ने अने तेमज स्वामीनाथन ने जे छे भारत रत्न थी एनायत करवामां आवशे आ महत्वनी जे वात छे तेमज तेमनुं खास निवेदन सामे आव्युं छे। उपरांत सफेद कागळ अने इंडिया ब्लॉक एकता पर पण खास तेमनुं महत्वनुं निवेदन सामे आव्युं छे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। सर, आज पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, क्या कहेंगे? ये अवार्ड आज से 10 साल पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ये सब अवार्ड लेके लोगों का दिमाग में कोई आना जाना नहीं होता है। पीपल डू नॉट गिव एनी सच इम्पोर्टेंस टू एनी भारत रत्न अवार्ड। Weightage of these awards have been reduced now. लगता नहीं कि जब कांग्रेस सरकार में इन लोगों को देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब आप देखें कि एनडीए गवर्नमेंट में इन्हें दिया गया और इतना वेट कराया गया। कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया देश आज़ादी के बाद। ये सरकार 10 साल में दिखाना चाहता है कि सारे साल में इतना साल में जो हुआ उन्होंने ही किया है, वो तो ठीक नहीं होता है ना। बीजेपी ने कुछ किया ये बात तो मानो, और कुछ ही नहीं किया ये तो हमारा पार्टी का तरफ से आज हम लोगों ने हमारे मेंबर भाषण में बता दिया। तो इट विल बी अगेन डिबेटेड टू द पीपल्स फोरम व्हेन इलेक्शन विल टेक प्लेस। सरकार की ओर से व्हाइट पेपर लाया गया, चर्चा भी हुई, लेकिन शारदा घोटाले के बारे में भी जिक्र किया गया। तो कर सकता है ना, तो शारदा के लिए और आगे बढ़ो ना, कौन ना बोल दे। वो तो 2 कदम आगे जाते हैं, बाद में 3 कदम पीछे चले जाते हैं। एक सवाल बार बार चर्चा में है कि क्या टीएमसी जो है सो इंडिया का गठबंधन रह करके चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी कई बार कह चुके हैं हम कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट देंगे। ये सब बात ममता के साथ क्या हुआ, 2 सीट की 3 सीट, ये सब मेरा पता नहीं है। बट कांग्रेस शुड हैंड ओवर द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ममता बनर्जी, जो बंगाल में जो करना होगा वो ममता ही करेंगे। चलिए दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।